अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे। तो अभी आपको बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक अभी मौसी और मामा लोग भी रेडी हो रहे हैं, वो लोग तो जाएंगे हल्द्वानी को, तो सूरज तो कल जाएगा। तो अभी बिट्टू और सूरज यहाँ बैठे हुए इधर को, और ये है रितु मैडम, सूरज शोर खाए भी और बिट्टू यहाँ पर बैठा हुआ है। तो फिर अभी हम लोग तैयारी करते हैं चलने की। हाँ जो भाई जी अब आना और अपना सफर अच्छा करना, कोई एंजॉय करना। रितु और रितु अभी यहाँ पर हो रही है विदाई, इनको लग रहा है पीठिया पानी। बस हो गया, मैंने खाली मिठाई। सूरज कितना बड़ा मुंह खोल रहा, मीठे के भूत हैं। रितु बेचारी कितनी मेहनत से खिला रही है इनको, मुंह के खोला में जब खाना ही नहीं है तुम। अब यहाँ पे को जा रहे हैं मामा लोग, जाने की तैयारी होगी है। और यहाँ पे को सूरज और बिट्टू छोड़ने जा रहे हैं। रितु तू भी जा रही है बैग लेके। ये हमारी ताई मौसी। बाय मौसी। और यहाँ पर ये रितु के जिगरी दोस्त घूम रहे हैं पांच छह। और यहाँ पे को मौसी लोगों को मिल गए हैं टुक टुक, और मौसी लोग यहाँ से सीधे अब स्टेशन जाएंगे। और अभी हम लोग तो कैब बुक कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कहीं और जाएंगे, तब तक इनको जाने देते हैं। बाय मौसी, बाय बाय, बाय बाय ताई, बाय रितु। हाँ बाय बाय। रितु मैडम उधर, बाय बाय बाय। अभी हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम कहाँ जा रहे अभी बताएंगे। तो ये बोले कि अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो अभी हम ऊपर चढ़ गए फ्लाईओवर में, तो यहाँ से निकलेंगे उस साइड को। कौन सा प्लेटफार्म है हमारा, एक। अभी हमारा प्लेटफार्म है एक, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी हमारी ट्रेन जो है मिल गई है, और ये है हमारी ट्रेन। तो अभी हमको डब्बा ढूंढना है G6। अच्छा G8। तो अभी हमने डब्बा ढूंढना है G8। तो अभी थोड़ा आगे को चलते हैं, तो वहाँ पे को हमारी ट्रेन जो है मिल जाएगी। और अभी आप लोगों को बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में। हमने कहीं था जा कहीं और है। जाना हमने कहीं और था, लेकिन हम जा कहीं और रहे हैं। हमने जाना हल्द्वानी था, लेकिन हल्द्वानी में कर्फ्यू लग गया बहुत भयंकर वाला है, इसलिए हम दो तीन दिन घूम के आते हैं। हल्द्वानी में लगा है कर्फ्यू, इसलिए भी हम लोग दो तीन दिन घूम घाम के आते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर, और हम लोग फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ का स्टेशन ये है, और हमारी जो ट्रेन थी ये वाली थी यहाँ पे को, अभी जयपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन ये है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, आ जाए चले। तो फिर हमारे एक और ब्लॉगर भाई, अभी हम लोग यहाँ से लिफ्ट से सीधे ऊपर को निकलेंगे। तो फिर अभी हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली पिंक सिटी जयपुर में, और यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पर दुकानें या घर वगैरह हैं पूरे पिंक पिंक कलर के बने हुए हैं, और ये रात को और ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो आपको इसी तरह से अभी और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर में, और उसके बाद हम लोग यहाँ होटल में भी आ गए, हमने होटल ले लिया है। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, तो देखते हैं फिर अभी हम लोग कहाँ जाते हैं। तो पहले यहाँ से रूम से बाहर निकलते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं करके। अभी यहाँ पर हम होटल अपने रूम पे जो है ताला लगा रहे हैं, इसके बाद फिर अभी हम लोग चलते हैं इसके बाद सीधे नीचे। तो ये कुछ इस तरह का होटल है, यहाँ अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। तो चलते हैं अब सीधे नीचे, तो अभी हम लोग यहाँ से लिफ्ट से चलेंगे नीचे को। अब हम लोग यहाँ से सीधे नीचे चलेंगे लिफ्ट से।
चलो बंद करो। अभी हम लोगों ने ले लिया है ऑटो और अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे घूमने के लिए। तो हम पहले मार्केट जाते हैं तो कुछ खा पी के आते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है। तो चलो फिर पहले खाना पीना खाते हैं। तो फिर अभी हम लोग आ गए खाने पीने के लिए और अभी हम लोग यहाँ पर से बनवाएंगे भेलपूरी। तो आज हमने सुबह से नाश्ता करके आए थे ताई के घर से, तो उसके बाद से हमने दिन में भी कुछ नहीं खाया था। तो अभी शाम हो गया है, अभी 6-7 बज गए हैं, तो अभी हम लोग फटाफट से भेलपूरी खाते हैं और इसका इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर गोकुल जी को भी भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोग फटाफट से खाना पीना खाते हैं और अंदर को चलते हैं। तो यहाँ पे को हम लेंगे टिकट और तो फिर अभी आपको दिखाएंगे यहाँ का म्यूजियम किस तरह का है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है अभी, और बाहर से पूरा लाइट वगैरह से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी आपको आगे से फ्रंट से जाके दिखाएंगे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में, जो देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत और बहुत सुंदर सा दिख रहा है और जो बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है, तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर से कि अंदर से किस तरह का है। अब हम लोग अंदर जाके दिखाते हैं आपको अंदर का म्यूजियम किस तरह का है। तो फिर आप देख सकते हैं कि अंदर का व्यू काफ़ी खूबसूरत और सुंदर देखने को मिल रहा है। तो फिर अभी चलते हैं अंदर को। जयपुरी रंग से बनाया हुआ ये कालीन आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर कालीन बनाया गया था ये उस टाइम पे। तो म्यूजियम में काफ़ी पुरानी धरोहर है ये, समाई जो राजा थे मानसिंह उनके टाइम पीरियड की ये सारी कलाकृतियाँ यहाँ आपको दिखेंगी। ये नेचुरल जो राजस्थान का मार्बल है उससे और जो राजस्थान की कलर पेंटिंग है उससे बनाई गई है, वेजिटेबल्स से मिलके बनाई गई हैं। जो मतलब वेजिटेबल्स होते थे उनको पकाने के बाद जो नेचुरल कलर निकलता था, तो उनसे ये बनाए गए हैं। और यहाँ पर पूरा छाप मतलब जो छापा होता है उनसे छापे गए हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग जो आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और आगे ये बैल है, जब राजा महाराजा आते थे तो उस टाइम ये बैल बजाई जाती थी, घंटी बजाते होंगे ना इसे, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी। और काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है बोलो? यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और देख सकते कि उस टाइम के बर्तन वगैरह, इस टाइप के कप वगैरह चलते थे, और यहाँ उस टाइम के राजा महाराजा थे। और यहाँ पर ये बहुत सारी मूर्ति वगैरह भी रखी गई हैं भगवानों की। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं इनमें कुल 23 मूर्तियाँ हैं और ये 3 स्थानों से लाई गई हैं, एक वाराणसी से, दूसरा गंधार से और तीसरा जयपुर से ही। तो ये 4th से 15th शताब्दी तक की जो मूर्तियां हैं वो यहां पर संग्रहित करके रखी गई हैं। तो काफ़ी सुंदर कलाकृतियां या काफ़ी सुंदर चित्रण इनका किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मूर्तियां यहां पर प्रदर्शित की गई हैं, हमारी जो अनमोल धरोहर हैं उनको सजोकर रखा गया है इस म्यूजियम में। काफ़ी सुंदर है बोलो ना, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें सारे देवी देवता भी रखे गए हैं, और ये जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है बुद्धा जी भी हैं, और इसमें विष्णु भगवान भी हैं, तो काफ़ी मतलब सारे भगवान भगवानों की, विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार भी यहाँ है, बारह अवतार भी यहाँ है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे नरसिंह अवतार, बारह अवतार और महिषासुर मर्दिनी का यहाँ पर जो प्रतिमा है, अभी हम सारा दिखाएंगे आप लोगों को। और आप सामने देख सकते हैं कि यह है महिषासुर मर्दिनी और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। दसवीं शताब्दी के सांबर से प्राप्त यह चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है, तो काफ़ी सुंदर है। और अभी आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु का 12 अवतार इनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि अस्त्र शस्त्र दीर्घा में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। ये है
तीर, धनुष बाण और तीरों का यहाँ पर संग्रहण है। जो राजा महाराजा लोग या फिर उनके सैनिक जो यूज करते थे, ये धनुष यहाँ पर रखे गए हैं। तो काफ़ी मतलब यहाँ आके ऐसा लगा यार हम जैसे इतिहास में ही आ गए। आज तक तो हम किताबों में ही पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है यार हमने जो कि प्राचीन या एंशियंट या फिर मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी पढ़ा था, ये सारे हम औजार यहाँ आके देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो यहाँ आके जितना पढ़ा था ना वो सब औजार यहाँ दिख के। वो तो है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। तो ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो अच्छे से संभाल के रखी गई हैं। म्यूजियम में आने का भी कोई मतलब एक अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ म्यूजियम घूमने का। होता है पूरा हिस्ट्री इतिहास जो भी था नॉलेज होगी उस चीज़ की। और ये बंदूक, अंग्रेजों के टाइम की बंदूकें रखी गई हैं। बंदूकें तो पता नहीं कौन कौन सी हैं, ये अब तो मॉडर्न बंदूकें चल गई, लेकिन उस टाइम की थी। उस टाइम पे इसको पहन के सैनिक लोग जाते होंगे ना। ये उनके कवच वगैरह थे, कवच वगैरह और हेलमेट वगैरह, और ये बंदूक उस टाइम की पुराने जमाने की जो काफी खूबसूरत सा दिख रहे हैं। सब सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ हैं, जितने भी उस टाइम यूज होते होंगे वो सारे यहाँ रखे गए हैं। जो उस टाइम के वाद्य यंत्र थे, तो ये अब तो उतने चीज़ नहीं रह गई, तो ये पहले के थे। तो बहुत चीज़ें हमको देखने को मिली अभी यहाँ पर, को आप देख सकते कि मैं आपको दिखा रही वीडियो के माध्यम से कि पहले के वाद्य यंत्र कौन कौन से थे और कैसे मतलब रखे गए हैं। अभी भी सब ये वीणा है, तुरई है और भंखोरा है, वायलिन है, मतलब सभी जितने भी बजाते थे ना उस टाइम पे वो सब, लेकिन वो आजकल की तरह आर्टिफिशियल वाले नहीं है, वो मतलब ओरिजिनल होते थे। हाँ, जो हाथ से बनाए थे ना उस टाइम पे, तो वैसी हैं वो सेम। और यहाँ पे कोई उस टाइम के रानी लोगों के जो हार होते थे, नथ वगैरह, और ये नाक में पहनने वाली फुल्ली, उस टाइप के मतलब बहुत चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, उनकी ज्वेलरी है। और यहाँ पे को हार देख सकते कि बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन के रखे गए हैं, सूती धागुली भी रखे गए हैं, और ये उस टाइम के कड़े हैं जो काफी खूबसूरत से दिख रहे हैं। तो देख सकते कि बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन, और उस टाइम के हार देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी प्यारे से। और ये उस टाइम के लोग जो काम करते थे, जैसे जो सुनार होता था, फिर या फिर ये वाद्य यंत्र थे, और ये बर्तन बनाने वाले, और यहाँ पर कोई ये लोहार है ये, और यहाँ पे को है ये कपड़े दर्जी, और यहाँ पे को ये क्या बना रहे, क्या बोलते इसको, मतलब ये कपड़े वगैरह बना रहे हो। और काफ़ी मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे को रखी गई हैं, काफ़ी अच्छा लगा देखने के लिए, बहुत अच्छा है ना। लेकिन हमारे पास थोड़ा रात ज़्यादा हो गई ना, टाइम कम है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और यहाँ पे को है डोली उस टाइम की, जो रानियों को लेके इधर से उधर जाते थे उस टाइम, जो सवाई जयसिंह थे ना राजा, उनकी महारानी की डोली है उस टाइम पे लेके जाते थे। और यहाँ पे को देख सकते कि योगा का भी बहुत अच्छा रखा गया है, यहाँ पे को सारे योगा जो होते थे उस टाइम पे, सारे योगासन है ना, योगासन है, और यहाँ पर दिखाए गए हैं, काफी अच्छा लगा मतलब यहाँ पे को सारी चीजें हैं, काफी सुंदर और खूबसूरत देखने को मिला। और ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम ना बाहर से ऐसा दिखता है, काफी खूबसूरत, रात को आने का मजा है, दिन में वैसे दिखता है लेकिन रात को लाइट शो ज्यादा अच्छी दिखती है। दो चीजें, दिन में आओगे फोटो अच्छी खींचोगे, रात को आओगे तो देखोगे अच्छा। अब हम लोग ने घूम लिया यहाँ और म्यूजियम भी देख लिया है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं घर को। तो पीछे से देख सकते कि अब यहाँ से दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह का है। तो अभी हमें और गोकुल जी अब जाने लगे हैं अपने रूम की ओर, तो फिर अभी हमको भूख भी लगी है, तो फिर सबसे पहले खाना पीना खाएंगे फिर जाएंगे इसके। इस वक्त बुलबुल और मैं दोनों हैं पिंक सिटी जयपुर में, और जयपुर में हम दोनों कर रहे ई रिक्शे की सवारी। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का रात का नज़ारा कैसा है। पिंक सिटी बिल्कुल रात को पूरी पिंक 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 लग रही है, तो कल दिन में भी दिखाएंगे हम आपको पिंक सिटी का नज़ारा। अभी हम दोनों गए थे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, यहाँ पे को हमारा खाना जो है आ गया है, और इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आ रखा है खाने में। और ये है हमारा खाना, इसमें क्या है,
ये है दाल मखानी और इधर है रोटी। तो हमने भी सिंपल सा खाना मंगा रखा है क्योंकि कहीं हमारी तबीयत खराब ना हो जाए करके। तो फिर हम लोग फटाफट से खाना पीना खाते हैं और गोकुल जी को भी भूख लग गई है, लग गई भूख। तो फिर अभी हम लोग फटाफट से खाना खाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं सुबह से, तो फटाफट से खाना पीना खा लेते हैं।